जय हिंद दोस्तों। सीए रिटायर होने के बाद कैसे क्लेम किया जाए, कितना सीए मिलता है और क्या-क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट जरूरत होती है, सीए एक्स सर्विसमैन कैसे क्लेम करेंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सीए का मतलब है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 2021-22 में कैसे आप ले सकते हैं, तो पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीए कितना मिलता है। तो अभी सीए बढ़ चुका है और काफी बढ़ चुका है। दो बच्चों का सीए क्लेम किया जा सकता है। जो सीए सर्विस कर रहे हैं उनसे आधा सीए आपको अभी मिलता है। और कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होंगे सीए क्लेम करने के लिए। एक्स सर्विसमैन की कई समस्याएं इसमें रहती है कि सर सीए अब हम कैसे क्लेम करें। बहुत ही सरल स्टेप बताने जा रहे हैं, बहुत ही सरलता से आप क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ज्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। एक्स सर्विसमैन आई कार्ड होना जरूरी है, जो कि सभी एक्स सर्विसमैन के पास होता है, जो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू बनता है, वो आई कार्ड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है, फोटो होनी चाहिए खुद की और बच्चे की। तो दो फोटो, दो अपनी भी हो बच्चे की हो, इतना ध्यान रखें, ये भी होता है सबके पास। इसके बाद आधार कार्ड अपना होना चाहिए, बच्चे का नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन बच्चे का है वो और ही अच्छा है। तो आपको दूसरी आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड दोनों लोगों का होना चाहिए। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको इसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो होती है जो स्कूल में आपने देखा होगा, जब आप सर्विस कर रहे थे तब आपको स्कूल से स्टाम्प लगा के प्रिंसिपल का साइन करा के ले जाना पड़ता था सीए क्लेम करने के लिए। वो सर्टिफिकेट होती है, उसको मैं दिखाऊंगा और फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा कौन सा होता है, कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी बताएंगे आगे, उसको देखते हैं कैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पीपीओ की फोटोकॉपी भी जरूरत पड़ती है, ओरिजिनल पीपीओ भी जरूरत पड़ता है। इसके बाद बैंक डिटेल, जो कि एसबीआई और पीएनबी बैंक का ही होना चाहिए। जो बैंक डिटेल, जो पासबुक लगेगी फोटोकॉपी उसकी, वो एसबीआई और पीएनबी बैंक का ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। इसके बाद फाइनल रिजल्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट, जैसे कि फोर्थ में बच्चा पढ़ रहा था तो अब इस साल फिफ्थ में एडमिशन कराया है, तो फोर्थ का क्लेम करना है आपको, तो फोर्थ का मार्कशीट या रिजल्ट उसकी स्कूल की स्टाम्प लगे हुए होने चाहिए, राउंड स्टाम्प भी लगा हुआ होना चाहिए। तो स्कूल की प्रिंसिपल का साइन किया हुआ रिजल्ट मार्कशीट होनी चाहिए, जिस क्लास का आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके बाद बता दें कि आपको यही डॉक्यूमेंट स्कैन करके, यानी कि फोटो खींच के रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में हो या जेपीजी फॉर्मेट में, तो ध्यान रखें। तो ये डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो मैंने ये लिख दिए हैं, स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट ये लगेगी। इसके बाद सिर्फ मार्कशीट ही लगेगी स्कूल की, और स्कूल का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी लगेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट जब फॉर्म भर रहा था तो उस समय स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से स्कैन करके रखने हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको क्या करना है, मोबाइल पर या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आपको टाइप करना है गूगल में ksb.gov.in। जैसे ये टाइप करेंगे तो आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट में चले जाएंगे, जिस वेबसाइट का नाम है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में चले जाएंगे, जिसमें कि आपका सीए का फॉर्म भरा जाता है। वो टाइप करने के बाद इसमें आ जाएंगे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन, इसमें देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन लिखा है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, ये रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, तो जो पहले सीए क्लेम कर चुके हैं वो डायरेक्ट लॉगिन में जाएंगे, लेकिन जो नए कर रहे हैं, ऑनलाइन नए क्लेम कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल पे आता है, तब आपको लॉगिन करना है उस यूजर नेम पासवर्ड का। तो अभी देखते हैं, हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही ये पेज आप
आ गया खुल के। इस पेज में आपको क्या करना है, आप इधर नीचे राउंड में देख रहे होंगे, इधर राउंड में फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। इसमें जो फोटो अपलोड करेगी की जाएगी वो रजिस्ट्रेशन एक्स सर्विसमैन का हो रहा है। इसमें एक्स सर्विसमैन की फोटो इसमें पहले अपलोड होगी, तो जो एक्स सर्विसमैन पहले से फोटो खींच के रखे, मैंने पहले डॉक्यूमेंट में बता दिया है, तो इधर से हम चूज करके फोटो अपनी अपलोड कर दे रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें हमने अपनी फोटो अपलोड कर दी, इसके बाद अपलोड में क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड में क्लिक करेंगे फिर आप नीचे डाउन में आ जाएंगे, जैसे ही अपलोड में क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो नीचे अपनी डिटेल भरना है। तो इस डिटेल में आप देख रहे हैं कि पूरा डिटेल दिया है, फिर हु आर यू, मतलब एक्स सर्विसमैन हो, कौन हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इसको मैं सब भर के आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है। तो इसमें मैंने भर दिया है हु आर यू में सेल्फ ESM लिखना है, एक्स सर्विसमैन अगर है तो सेल्फ ESM लिखना है। इसके बाद अपना नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद सर्विस नंबर, जो आर्मी में सर्विस नंबर रहा है, आर्मी नंबर जिसको बोलते हैं, वो भरना है। इसके बाद देख इसमें लिखा है यस और नो, नेक्स्ट ऑप्शन में डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग ESM आईडी कार्ड, आईडी कार्ड है आपके पास, अगर आईडी कार्ड बन गया है तो यस में क्लिक करना है, नहीं बना है तो नो में करना है। तो हमारा आई कार्ड बना है तो हम यस में कर दे रहे हैं, जिसका नहीं बना होगा वो नो में करेगा, तो हम नो यस में कर देंगे। इसके बाद आई कार्ड का नंबर, जो आई कार्ड का नंबर होता है, जो नया आई कार्ड एक्स सर्विसमैन का बना है वो नंबर लिखा जाता है। इसके बाद आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, नेवी में थे, वो सेलेक्ट कर लेना है इधर से। इसके बाद रैंक, किस रैंक से थे वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्टेट, मतलब राज्य सैनिक बोर्ड का स्टेट लिखना है, तो उत्तर प्रदेश का हूँ मैं तो उत्तर प्रदेश, जो बिहार के हैं बिहार, कर्नाटक के हैं कर्नाटक सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसमें अपना जिला सैनिक बोर्ड सेलेक्ट कर देना है, किस जिला सैनिक बोर्ड के अंतर्गत आते हैं आप। इसके बाद आधार कार्ड नंबर अपना इसमें डालना है, ये एक्स सर्विसमैन की पूरी डिटेल इसमें डालनी है, इसमें बच्चे का कुछ नहीं अभी आ रहा है, पूरा एक्स सर्विसमैन का ही रहेगा, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक्स सर्विसमैन का ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ एक्स सर्विसमैन की, डेट ऑफ एनरोलमेंट एक्स सर्विसमैन की जब भर्ती डेट लिखना है, डेट ऑफ डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज हुए उसकी डेट लिखना है। इसके बाद अगर इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि एक्स सर्विसमैन अगर डेथ हुई है तो वो डेथ की डेट डालनी है, इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो ये खाली रखना है। इसके बाद फादर नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, ये ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए, इसी में आपका ईमेल आएगा, यूजर नेम पासवर्ड का, यूजर नेम तो आपकी ईमेल आईडी ही हो जाती है, पासवर्ड एक और आता है। तो पहले इसको करके इसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे तो आप देख रहे हैं बाकी डिटेल भी इसमें भरनी है, विलेज, सिटी, स्टेट, ये अपना खुद का अपना डाल लेना है। इसके बाद बैंक का अकाउंट होल्डर का नाम, इसमें अपना नाम लिखना है जिसका नाम से बैंक अकाउंट, यानी कि आप भर रहे हो तो आप अपना नाम लिखना है। इसके बाद सिलेक्ट बैंक नेम, ब्रांच का नाम, और इसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, 16 डिजिट का है वो अकाउंट नंबर लिखना है, सिर्फ SBI और PNB का ही इसमें लगेगा, ध्यान रखें। IFSC कोड नीचे भरना है। इसके बाद पेंशनर है तो पेंशनर सेलेक्ट करना है, नॉन पेंशनर है वो नॉन पेंशनर, एक्स सर्विसमैन है तो पेंशनर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसमें नीचे जाएंगे तो वेरिफिकेशन कोड भरेंगे, वेरिफिकेशन कोड को भरने के बाद इसमें वेरिफिकेशन, ये जो वाला कोड है ये भर देना है इसमें। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे ये पेज में खुल के आ जाएगा, इसमें यू रिक्वेस्टेड, योर रिक्वेस्टेड हैज बीन सक्सेसफुली डन, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा है वो भर चुका है, ये रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको इसमें दिया एक्टिवेट लिंक हैज बीन सेंड योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, यानी कि आपके ईमेल आईडी में एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आ गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका यूजर नेम आया है, तो उसको हम अपनी ईमेल देख चेक कर लेते हैं। तो ईमेल में देखो ये एक ईमेल आया है हमारे पास, इसमें दिया है नाम दिया है, इसके बाद दे दिया है कि योर लॉगिन आईडी, ये लॉगिन आईडी यानी कि जो हमने ईमेल एड्रेस भरा था वही लॉगिन आईडी हमारी आ गई है इसमें, यानी कि ये हमारी लॉगिन आईडी रहेगी। अब पासवर्ड कैसे पता चलेगा, तो पासवर्ड ये जो लिंक दिया है इस लिंक में क्लिक करना है, यानी कि ये जो ब्लू कलर का है इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको मैसेज भेज देगा कि आपका पासवर्ड ये है। हम इसमें जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो हमारे दोबारा मैसेज आएगा कि पासवर्ड उसमें ये है। तो जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ये हमारा दूसरा एक मैसेज आ गया है जिसमें कि ईमेल आईडी, यूजर नेम दिया है और पासवर्ड दिया है, दोनों चीज आपको इसमें देख रहे होंगे। यूजर नेम ये दिया है जो हमने ईमेल आईडी भरी थी,
और पासवर्ड ये दिया है, पासवर्ड भी आपका इसमें आ जाएगा। तो ये मोबाइल पे आएगा या लैपटॉप पे जिस पे आप भर रहे होंगे उसी पे आ जाएगा आपका, जिसमें मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी दी है उसी पे आ जाएगा। तो ये आपको नोट करके रखना है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे आप लॉगिन करेंगे। अभी हम पूरा वापस फिर जाते हैं लॉगिन करने के लिए, वापस जाएंगे तो वापस इसी में आ जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या, आपको लॉगिन में क्लिक करना है, ये जो लॉगिन है इसमें क्लिक करना है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया था, अब लॉगिन में करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन से हमें ये फायदा मिला कि हमें यूजर नेम और आईडी पासवर्ड पता हो गया, यूजर आईडी और पासवर्ड। अब हम लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन के लिए आपको ये भरना है, यूजर नेम जो आया है, ईमेल था वो हमारा आ गया, यूजर नेम भरना है इसमें, और पासवर्ड जो आया था वो हम भर देंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड, ये वाला कोड जो दिया है ये भर देना है इसमें, और पासवर्ड याद रखने के लिए इसमें क्लिक कर देना, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं अगर पासवर्ड याद रहे तो। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे, हम इसको पूरा भर के लॉगिन में क्लिक करके देखते हैं क्या आएगा। इसके बाद जैसे ही लॉगिन में क्लिक कर दिया भर के, तो ये आ गया। अब इस पेज में क्या करना है, न्यू में जाना है, इसी जगह से आपका सीए भरा जाएगा, यानी कि जब लॉगिन कर लेते हैं इसके बाद न्यू में जाना है जिससे आपका सीए भरा जाएगा। तो हम न्यू में जाएंगे, जैसे ही न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू में क्लिक करते ही ये पेज खुल के आ गया। इस पेज में आप देख रहे होंगे सेलेक्ट स्कीम, जो ये सेलेक्ट स्कीम है इसमें आप इस एरो में क्लिक करेंगे, जैसे ही एरो में क्लिक करेंगे तो ये पूरी आ गई स्कीम, यानी कि आपको सीए क्लेम करना है तो किस में, किस ऑप्शन में जाना है। तो बता दें कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें जाना है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान रखें तीसरे नंबर पे इसमें आ रहा है, लेकिन जब तक हो सकता है आप भरे तो ये चौथे या पांचवे या पहले नंबर पे आ जाए। तो इसलिए पूरा इसमें देखने के लिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ विडो ऑफ ESM, इतना जो जिसमें लिखा हो वही आपको क्लिक करना है, दूसरा नंबर नहीं करना। तीसरे में ये लिखा है, इसमें हम तीसरे में क्लिक कर रहे हैं, इसी में हमारा सीए भरा जाएगा। अब ये आ गया, इसमें पूरा भर दो, यही आपका सीए भरा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पार्ट वन दिया है, पार्ट वन में फर्स्ट नेम भरना है, फर्स्ट नेम ऑलरेडी भरा हुआ है क्योंकि हमने यूजर आईडी डाल के पहले से कर लिया है। मिडिल नेम, लास्ट नेम भरा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर्विस नंबर, ये भी कुछ नहीं करना है, ये आपका ऑलरेडी भर गया है। तो यानी पहला कॉलम भर गया है, ये आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद पार्ट टू में आपको क्या भरना है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, ब्रांच नेम लिखना है, इसके बाद ब्रांच नेम इसमें लिखना, ब्रांच बैंक नेम और ब्रांच नेम। तो पीएनबी बैंक का था, अभी इसमें हम ब्रांच का नेम भी लिखेंगे, कि जैसे किसी का ब्रांच नेम जो लोकल पड़ती है वो नाम डालना होता है। इसके बाद अकाउंट नंबर इसमें डालना है, क्योंकि ये दोबारा इसलिए पूछ रहा हो सकता है कि फॉर्म जब इन्होंने भरा हो पहले तो वो दोबारा चेंज हो गया हो, तो दोबारा दूसरा अकाउंट नंबर दे रहे हो, तो इसलिए दोबारा इसमें पूछ रहा है। तो आप इसमें दोबारा अपना अकाउंट नंबर भर देना, आईएफएससी कोड भर देना, एडिशनल कोई अगर इंफॉर्मेशन अलग से डालनी है वो डाल सकते हैं, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद और नीचे आ जाएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो इसमें आपको देखना है ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, वही जो हमने डॉक्यूमेंट बताए थे, सर्विंग डॉक्यूमेंट यानी डिस्चार्ज बुक की फोटो कापी वो अपलोड करनी है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ESM की फोटो कापी वो अपलोड करनी है। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है वो मतलब खत्म हो गए हैं, तो उनको विडो भी भर सकती हैं, इसको विडो भी ऐसे ही भरेंगी, तो उसमें विडो में उनका विडो का आई कार्ड होगा, उसमें क्लिक करना, उसको अपलोड कर देना। इसके बाद मार्कशीट, स्कूल प्रोग्रेस सर्टिफिकेट चिल्ड्रन की, वो इसमें भरने अपलोड करनी, यानी कि चिल्ड्रन का इसमें अपलोड करना है, जो मार्कशीट होगी जिस क्लास का सीए क्लेम करना है उस क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि पास जो हुए हैं। इसके बाद मार्कशीट ऑफ स्कूल प्रोग्रेस दूसरे चाइल्ड के, दो चाइल्ड हैं तो दोनों चाइल्ड का अलग अलग दिया है, पहले चाइल्ड का दूसरे चाइल्ड का, दोनों चाइल्ड का कर रहा है, दोनों का अपलोड कर दो, आराम से सीए आपका दो बच्चों का आ जाएगा। एक बच्चा का क्लेम करना, सिर्फ एक का अपलोड करो, बाकी छोड़ दो। इसके बाद डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, पीएनबी और SBI का ही होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आईएफएससी कोड जिसमें हो वो डिटेल आपको भरनी है इसमें, चेक भी, कैंसिल चेक भी या पासबुक की फोटो कापी भी कर इसमें अपलोड की जा सकती है। इसके बाद आधार कार्ड की फोटो कापी अपनी आधार कार्ड की होनी चाहिए, ESM की यानी कि एक्स सर्विसमैन की। ऑर्डर मेंशन टाइम चाइल्ड, यानी कि इसमें अभी क्या भरना है, तो
इसमें भरना है डिस्चार्ज बुक का डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट भरना है, ग्रांट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि एक्स सर्विसमैन की डिस्चार्ज बुक की फोटो कापी। डिस्चार्ज बुक की फोटो कापी ध्यान रखें कि बच्चों का जहाँ पे डिटेल है उस जगह तक फोटो कापी अपलोड करनी है, यानी कि एक ही पेज में आप सारे उसकी फोटो खींच के इसको अपलोड करना है। तो इस चीज को ध्यान रखें, जिसमें बच्चे का डिटेल, जिस बच्चे का अप्लाई कर रहे हो उस बच्चे का डिटेल भी होना चाहिए, तभी उसमें वही चीज अपलोड करनी है। तो इसमें ध्यान रखें, सातवें नंबर पे बच्चे का डिटेल भी इसमें भरना पड़ेगा। सातवें नंबर का बहुत ही ध्यान देना है कि बच्चे का डिटेल जिसमें डिस्चार्ज बुक आपकी है उसमें बच्चे का डिटेल भी होना चाहिए कि एज क्या है, नाम क्या है, तो बच्चे का ये डिटेल वही डिस्चार्ज बुक की फोटो कापी इसमें अपलोड होगी। इसके बाद सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट आपको इसमें जो कि अलाउंस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलती है जिसमें स्टाम्प लगता हो प्रिंसिपल का, वो इसमें अपलोड करनी है। तो ये ध्यान रखें, ये और ये दो चीज बहुत आपको जरूरी है, सही सही होनी चाहिए, तभी आपकी इसमें आपका सीए क्लेम होगा। ये दो चीज गलत हो गई तो सीए क्लेम नहीं होगा। पीपीओ की फोटो कापी आपको अपलोड करनी है, पीपीओ की फोटो कापी भी आप कोई आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें टिक कर देना है, इसमें टिक करके सेव एंड फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे, सेव एंड फॉरवर्ड में क्लिक करके आपका सेव हो जाएगा। इसी का प्रिंट आप निकाल लेंगे, प्रिंट जब सेव हो जाएगा तो इसके बाद प्रिंट निकाल लेना है जो आपने फॉर्म भरा है। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकालोगे, इसी प्रिंट को आपको क्या करना है, जो आपने ये फॉर्म को प्रिंट निकाला है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट फ्रॉम एंड डिपॉजिट टू जिला सैनिक बोर्ड, इसी फॉर्म को निकाल के आपको डिपॉजिट करना है जिला सैनिक बोर्ड विद कंसर्न डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट ले जाके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके आपको जिला सैनिक बोर्ड में देना है। जिला सैनिक बोर्ड को आपको पूरा डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म जो आपने प्रिंट निकाला है इसको भी देना होता है। जब ये दे दोगे तो ये जिला सैनिक बोर्ड को 2 बार 3 बार आपको याद दिलाना है, बार बार जाके उसको कहना है सर हमारा चला गया। उसके बाद वो रिसिप्ट भी लेनी है जो इन्होंने भेजा है, क्योंकि ऑफलाइन भी भेजते हैं जिला सैनिक बोर्ड, तभी क्लेम होता है। तो वो आप उनकी रिसिप्ट जरूर ले जब ये भेजते हैं, तो उसका बोलना हमें सर आह्वान का जो आपने भेजा है उसका रिसिप्ट हमें चाहिए। उस वो रिसिप्ट आपको मिल गई तो इसका मतलब आपका क्लेम सही हो गया है, तो वो क्लेम तभी होगा। अभी ये देख लो, वो रिसिप्ट लेने के बाद आप ये देख लो, जो इंस्टीट्यूट स्कूल का जो हमने बताया था कि चिल्ड्रन जो सीए लेने के लिए जो स्कूल का स्टाम्प लगता है, प्रिंसिपल की मोहर इधर लगेगी, राउंड स्टाम्प इधर लग जाएगा, प्रिंसिपल की मोहर इधर और साइन इधर हो जाएगा। बाकी बच्चे का पूरा डिटेल इसमें डाल देना है, पूरी डिटेल भरने के बाद ये भी अपलोड करना पड़ता है और इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको जिला सैनिक बोर्ड में देनी पड़ती है। तो ये रहेगा फॉर्मेट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में सारे के लिंक आपको मिल जाएंगे, उससे डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल में जाके आप सारे लिंक देख सकते हैं। तो इस तरह से जिला सैनिक बोर्ड को देके आप क्लेम कर सकते हैं। सीए क्लेम करने में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।